This is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know that we were discussing the chapter Kathmandu written by Vikram Seth. We have already discussed the line by line explanation and the summary of this chapter but now we need to check that how much the concepts of this chapter are registered in our mind and that we can check only by solving certain number of questions and that we will do in this video that is we will solve NCRT questions of the chapter Kathmandu. तो हम जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें एनसीआरटी के वेदर दे आर टेक्स्ट बेस्ड या फिर लैंग्वेज बेस्ड वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में थोड़े ज्यादा हैं चैप्टर के, but it's all okay because जितने क्वेश्चन है वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा एंड यू विल नॉट द नीड टू रीड इट राइट यू नो अगेन एंड अगेन क्लियर ऑल राइट तो चलिए बिगिन करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्ड इन योर एनसीआर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट और उससे एक सेंटेंस में या मैक्सिम टू सेंटेंसेज में आंसर को एंड करना है क्लियर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ देना पड़ेगा तो ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड कह सकते हो अराउंड थ्री सेंटेंसिस तक भी आंसर जाएगा क्लियर तो Alright, तो चलिए जो है, काठमांडू सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन का यही है राइट right? कि विक्रम सेठ जो है ही विजिटेड काठमांडू तो वो कौन से दो टेम्पल्स थे जो वो, वो विजिट करते हैं सो वी वेरी वेल नो कि वो दो टेम्पल्स कौन से हैं पशुपतिनाथ एंड बौथनाथ स्तूप तो आपको वही जो नेम्स हैं मेंशन करने हैं अगर आपके पास लिमिट ज्यादा है देन यू कैन डेफिनेटली मैंशन कि पशुपतिनाथ टेंपल इज द सेक्रेट टेंपल फॉर हिंदूज एंड बौद्धनाथ स्तूप टेंपल इज द सेक्रेट टेंपल फॉर बुद्धिस्ट क्लियर सो द टू टेम्पल्स दो ऑथर विजिटेड इन काठमांडू व पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूप सो दीज आर द नेम्स ऑफ द टू टेम्पल्स जिसके बारे में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी जो है वो रन करती है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन कोका कोला वट डज ऑल दिस रेफर टू अब देखो यहां पर ये यह जो चीज उन्होंने बोली ना वॉश डाउन इसका मतलब क्या है जो भी उन्होंने कंज्यूम किया है जो भी खाया था उसको फाइनली डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या खरीदा कोका कोला विच इज अ सॉफ्ट ड्रिंक राइट तो यहां पर ऑल दिस किसको रेफर करेगा जो भी खाने की चीजें हैं वो मैंशन की गई हूं तो उन्होंने दो चीजें खरीदी थी टू ईट वन वॉज मर्जी पान एंड अदर दॉज द कॉन राइट तो इसके अलावा जो कि दो नाम है ना रीडर्स डाइजेस्ट और रोमांटिक uh, जो कॉमिक स्टोरीज हैं या लव स्टोरीज जो भी बोली गई हैं वो बुक्स हैं तो उसको यहाँ मेंशन मत कर देना कि एग्जैक्टली यू नो एक साथ सारी चीजें चल रही हैं सो आई हैव टू आल्सो मेंशन द नेम ऑफ द मैगजीन और द कॉमिक क्योंकि वो खाते नहीं है क्लियर तो यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत ही छोटी सी बात लग रही है बिकॉज वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट बट कहीं कहीं पर आंसर जो है वो ऐसे भी मैंशन कर दिए जाते हैं जहां पर रीडर्स डायजेस्ट और कॉमिक का नाम भी लिख देते हैं बट यहां ऑल दिस का मतलब है जो भी चीजें खाई हैं उसको डाइजेस्ट करना क्लियर सो ऑल दिस रेफर्स अ बार ऑफ पान एंड कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चाक ऑन द पेवमेंट तो ये जो उन्होंने पूरा लिखा है ना कि उन्होंने दो चीजें खाई थी एक था मर्जी पान पान विच इज वॉट अ ग्रेटेड आलमंड स्वीट नेक्स्ट वो खाते हैं रोस्टेड कॉर्न कॉप ठीक है उस पर भी लेमन चिली सॉल्ट से बिल्कुल गार्निश करके देते हैं वो जो भी सेलर हैं चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो बट बिकॉज है वी हैव बीन गिवन स्ट्रिक्टली द लिमिट ऑफ 20 30 वर्ड्स या फिर यू नो वन टू टू वर्ड्स या वन टू टू फ्रेजेज में बोला गया है सो डेफिनेटली वील नॉट मैंशन दैट पार्ट अगर ये

तो फिर जो कि पार्ट टू है इसका तो फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा तो पॉक्यूपाइन क्या है एक रोडेंट है और वो उसके जो स्किन है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं क्विल्स होते हैं कुछ कांटे टाइप की बनी होते हैं तो वैसा ही कुछ यू you नो know, इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ रहता है पॉक्यूपाइन के ऊपर तो वैसा ही कुछ क्या था जो फ्लूट सेलर था जो बांसुरी बेचने वाला था उसके पास भी एक पोल था और हर एक डायरेक्शन में एक अरेंजमेंट था ऑफ डिफरेंट फ्लूट्स, ठीक है तो उसी को उन्होंने किससे कंपेयर किया था क्वेल्स ऑफ पॉक्यूपाइन से डन सो विक्रम सेट कंपेयर्स द फ्लूट्स टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लू पोल टू दुर्ल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है इट जस्ट दैट ये पिक्चर जो पॉक्यूपाइन का पिक्चर है रियल पिक्चर वो ध्यान में अगर रखते हो देन यू विल बी एबल टू यू नो रिकॉल की यहाँ पे क्या चीज बोली गई है कि ये जो क्विल्स है वो क्या है एक अरेन्जमेंट है राइट right? सिमिलरली जो फ्लूट सेलर है उसके पास भी एक पोल है और यहाँ सारी जो फ्लूट है उसका अरेंजमेंट है हर एक डायरेक्शन में तो क्या चीज रिसेंबल कर रही है ये कर रहे हैं इस अरेंजमेंट को क्लियर तो वही आपको डायरेक्टली समझ हो जाएगा कि विक्रम सेठ ने किसे कंपेयर किया है फ्लूट जो कि टाइड है बच्चे बंधी हुई है ऑन द टॉप ऑफ द पोल जो कि फ्लूट सेलर का पोल है टू द क्विस्ट ऑफ द पॉक्यूपॉइंट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज नेम फाइव काइंड ऑफ फ्लूट्स तो यहाँ पे बहुत से नाम उन्होंने दिए यू नो जब राइटर यानी कि विक्रम सेठ ये बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूट्स थे उनके पास और ये फ्लूट जो है वो कॉमन है हर जगह लाइक एवरी वेयर विल फाइंड दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट्स जस्ट द अपियरेंस वुड यू नो चेंज द वे ऑफ बोल सकते हैं उसको बजाने का जो वे होता है द वे ऑफ प्लेइंग इट वुड डिफर और जो म्यूजिक बाहर आता है दैट वुड डिफर क्लियर बट बहुत सारी जो फ्लूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम रख दिए अपियरेंस है बट क्या है वो कॉमन है हर कल्चर में तो तब वो एक्सप्लेन करते हैं इसको प्रूव करते हैं बाय गिविंग द नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्लूट जहां हमें पता भी चलता है कि भाई जापान में चाइना

नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ यानी कि थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं

एंड इतना पहला क्वेश्चन ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमें बताया कि सबसे पहले जब वो हॉकर्स की बात करते हैं तो क्या होता है नॉर्मली हॉकर या फिर हम भी जब देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सामान बेचते हैं वो क्या करते हैं दे शाउट फॉर देयर वेयर यानी कि वो जो कुछ भी बेचते हैं उसको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो ताकि लोगों को पता चले कि उनके पास ये सामान है और लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वहां जाए फोकस वहां जाए और वहां से जाकर सामान खरीदें ठीक है तो ये बेसिकली हॉकर्स का काम होता है और उनका क्या होता है ना दिमाग में ही उनको चीजें बेचनी होती है दैट इज दी ओनली मोटिव बट प्लूट सेलर के बारे में जब बात करते हैं यहां पर ऑथर यानी विक्रम से

तो जिस तरीके से हौक, जो हॉकर हैं वो अपने आर्टिकल्स अपने सामानों को बेचते हैं और जो फ्लूट सेलर जिस तरीके से अपने फ्लूट्स को सेल करता है बहुत बड़ा वाइड डिफरेंस है दोनों के बीच में क्लियर तो बेसिकली आपने पहले तो ये बता दिया कि डिफरेंस किस टर्म्स पे है ही सेनलाइक अदर हॉकर्स द फ्लूट सेलर प्लेज स्लोली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले तो इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करते इतना ज्यादा डिस्प्ले नहीं करते हैं कौन फ्लूट सेलर लाइक दी अदर हॉकर्स जो कि उन्होंने वहां देखे थे तो वो लोग क्या करते हैं जो भी सामान है ऑब्वियसली चिल्ला चिल्ला के बताते हैं तो वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये सामान है इनकम एंड बाय फ्रॉम हेयर बट द फ्लूट सेलर इज़ नॉट डूइंग एनी सच थिंग तो वो जो है बहुत ही धीरे धीरे कामली प्ले कर रहा है फ्लूट को बट एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं कर रहा है अपनी चीज़ों का

बेच दी तो बेच दी या फिर कोई किसी ने खरीद ली तो खरीद ली तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ही ही लाइक लाइक नॉर्मल विद विद इट इट बट उनका मोटिव मोटिव क्या था मेन मेन बस वो प्ले कर रहे थे फ्लूट को बहुत ही काम को बहुत मेडिटेटिवली चीजों बेचना नॉट हिज एंड ऑफ कलियुग तो हमें पता है कि यहाँ विक्रम सेठ बताता है कि एक श्राइन है जो कि हाफ प्रोट्रूड हो रही है फ्रॉम द वर्ल्ड और ऐसा कहा जाता है जिस दिन ये पूरा श्राइन बाहर आ जाएगा कंप्लीटली प्रोट्रूड हो जाएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड तो फिर जो गॉडस है उसके अंदर वो क्या हो जाएंगी चली जाएंगी और इससे क्या होगा कलयुग का एंड होगा तो ऐसा लोगों का मानना है एक ही रिवर की बात की गई है पशुपतिनाथ टेम्पल में जब वो अपनी जर्नी का एडवेंचर जरूर देख रहे हैं तो फिर गंगा रिवर और यमुना रिवर की बात की गई है बट वो नहीं बोल रहे यहां उन्होंने एक ही रिवर की बात की है जो कि क्या है होली

कलयुग विल एंड ऑन अर्थ तो ऐसा माना जाता है वहां पर पीपल बिलीव और इट इज बिलीव्ड लिख सकते हो दैट वेन द श्राइन विल कंप्लीटली प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म गॉड इज इन साइड वुड एस्केप एंड दिस वुड रिजल्ट इन द एंड

तो यहाँ ऑब्वियसली हम जब डिस्कस कर रहे थे ये चैप्टर तो हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस लाइन कि विक्रम सेठ ने बहुत ब्यूटीफुली इन डिटेल बताई है जो भी स्टोरी है उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है और उससे हमें लगता है कि sort ऑफ of हम जो है हाफ ऑफ दैट पशुपति टेम्पल एंड दिस यू you नो know, बौद्धनाथ स्तूप या फिर बात कर सकते हैं अबाउट काठमांडू विजिट कर चुके हैं बिकॉज वो जो इमेज फॉर्म करते हैं हमारे माइंड में सॉर्ट sort ऑफ of वो इतना डिटेल में उन्होंने बताया था क्लियरली बताया कि हम वो चीज़ें बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर सकते हैं राइट right? तो ये तो क्वालिटी है उनकी राइटिंग की उसी पे बेस्ड आपको बोला गया है कि वो बहुत पावरफुल इमेजेस ड्रा करते हैं पिक्चर्स ड्रा करते हैं रीडर के माइंड में और उसी पे बेस्ड आपको थ्री थ्री एग्जाम्पल्स पिक करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एटमोस्फेयर ऑफ फिब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल असाइड तो यहाँ पर जैसे वो बोलते हैं ना फिब्राइल कन्फ्यूजन इसका मतलब है बहुत ज़्यादा क्योस है कहाँ पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर बिकॉज बहुत भीड़ है हॉकर्स हैं डिफरेंट एनिमल्स रोम कर रहे हैं ग्राउंड पे तो बहुत सी चीज़ें वहाँ हो रही हैं यू नो डिवोटीज़ आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो सारे so वो सारे उन्होंने दिए हैं, सो दैट हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट हो कि डेफिनेटली वहां पर एक फेबराइल कंफ्यूजन एक योज क्रिएट हो रहा है क्लियर तो एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि पीपल दे ट्राई टू यू नो गेट गेट दैट प्रीस्ट अटेंशन और इसीलिए वो हर किसी को एल्बो असाइड करते हैं यानी कि अपनी एल्बो से लोगों को साइड में कर देते हैं कि अब हमारा टर्न है यू नो दर्शन लेने का सो दिस इज समथिंग जो कि एक एग्जांपल है जो हम फॉर्म भी कर पा रहे हैं पिक्चर कि हाँ ये टेंपल होगा क्यू बना है लोग एक दूसरे को एल्बो से यू नो साइड में कर रहे हैं सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव दी एग्जांपल्स देने कितने हैं थ्री एग्जाम्पल्स देने हैं हर एक पॉइंट के क्लियर

सारे शॉप्स हैं विजिटर्स हैं डिवोटीज हैं प्रीस्ट हैं फिर उसके बाद क्या हो रहा है एनिमल्स की फाइट भी देखने को मिल रही है तो नंबर टू जो पिक्चर फॉर्म करता है हमारे माइंड में वो है अ फाइट दैट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज और थर्ड थिंग जिससे अगेन एक पिक्चर फॉर्म होता है जब वो प्रिंसेस के बारे में बताते हैं दैट अ रॉयल नेपलीज प्रिंसेस फॉर हुम एवरी मेक्स वे तो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल जिससे ये पिक्चर बनती है माइंड में कि कैसे यू नो एक फिब्राइल you know, कंफ्यूजन था वहां पर डन ऑल राइट जो पूछा गया है जिसपे आपको अगेन एग्जाम्पल्स देने हैं द थिंग्स सीस तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो कर दी गई है इट्स अप टू यू आप थ्री एग्जाम्पल लिख सकते हो सो so, पहला वो बोलते हैं काठमांडू मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लार अडोन डेटीज अलॉन्स्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट तो सबसे पहली चीज अडोन डेटीज है तो ये क्या प्रूफ कर रहा है नंबर वन इमेज ऑफ द थिंग्स क्लियर नेक्स्ट बताते हैं वो फ्रूट सेलर्स फ्रूट सेलर्स हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स फिल्म रोल्स चॉकलेट कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीज एंटीक्स तो आप यहाँ पे ये मैं सबसे पहले फ्रूट सेलर्स फ्रूट सेलर हॉकर्स ऑफ पोस्ट ये बना डिफरेंट है। चीजें हैं जो उन्होंने देखी ऑल्सो जो शॉप है जहां पर वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स एंटीक्स ये सब यू नो सेल हो रहा था सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो उन्होंने देखा था इफ यू वॉन्ट जस्ट थ्री एग्जाम्पल्स आप मैंशन कर सकते हो द श्राइन्स टू यू नो स्मॉल श्राइन्स विद फ्लॉर अडॉन ऑन डेटी सेकेंड बता सकते हो फ्रूट सेलर्स एंड द थर्ड बोल सकते हो देवर वेरियस शॉप्स विच वॉर सेलिंग नो कॉपर यूटेंसिल्स एंड नैपलिस नेपलिस एंटीस तो इस तरीके से आप तीन एग्जाम्पल्स लिख सकते हो क्लियर ऑल रे नेक्स्ट है द साउंड ही, ही so, वो बहुत सारे साउंड सुनते हैं इसमें से जो भी तीन साउंड आप मेंशन कर सकते हो आई हैमेंशन ऑलमोस्ट ऑल द साउंड आपको पता रहे ठीक है तो इनमें से आप कोई भी तीन साउंड मेंशन कर सकते हो जो भी आपको याद रहे हैं. फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेड एग्जाम्पल कार्य कर रही है जब मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो अपना जो नॉर्मल मूव साउंड है वो प्रोड्यूस कर रही है नेक्स्ट है जो वेंडर्स है तो देर आर फाइव एग्जाम्पल आप इनमें से so, जो भी तीन आपको सही लगे लग रहे हैं आपको याद रहेंगे यू कैन मेंशन दोस्त थ्री क्लियर ऑल राइट

तो ये कुछ यू नो पल्स हैं जो कि प्रूव करेंगे कि कैसे पशुपतिनाथ टेम्पल के इधर क्या है एक फिब्राइल कंफ्यूजन है एट द बोधनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देर इज अस ऑफ स्टिलनेस इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग बाय अ रोड तो यहाँ क्या है फिब्राइल कंफ्यूजन यहाँ क्या एक स्टिलनेस है कैसे डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर और ये कैसा है वाइट डोम है और साइड में कैसे बना एक रिंग रोड बनाए मोस्ट ऑफ द शॉप आर ओन बाय टिबिटन इमिग्रेंट एंड स्मोल शॉप स्टैंड ऑनर आउटर एच तो छोटी छोटी शॉप है वहाँ पर ऐसी बिजी स्ट्रीट्स नहीं है और ज्यादातर वहाँ क्या है टिबिटिल शॉप्स है

हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीएसट स्ट्रीट्स तो वही है सब कुछ बताना है डिफरेंट शॉप्स के बारे में कैसे बिजी स्ट्रीट्स हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट हॉकर्स हैं फ्रूट सेलर्स हैं क्या क्या यू नो वहाँ पे सेल किया जाता है ऑल दैट थिंग्स थिंग्स सॉरी यू हैव टू मैं इन दिस आंसर क्लियर ऑल राइट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडूज बिजीएस स्ट्रीट एज बहुत डिटेल्ड So, you know, काठमांडू और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे you know, small, small हर जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे फ्लार अडोन डेटीज की जो आइडियल है वो रखे हुए हैं और उनपे फ्लार लोगों ने चढ़ाए हैं तो वो बिल्कुल डेकोरेटेड लगते हैं किसे फ्लार्स से There are fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques. So जो भी उन्होंने example mention किए हैं वो सारी चीजें हम बतानी हैं कि क्या-क्या वहाँ पे देखा जा सकता है different different hawkers हैं different चीजें यूँ हो sell की जाती हैं cosmetics हो utensils हो antiques हो तो ये वो सारी चीजें हैं जो वो बताते हैं कि busiest streets क्यों बोला है क्योंकि इतनी wide variety of चीजें वहाँ पे आपको म फिल्म सॉन्ग्स ब्लेर आउट फ्रॉम द रेडियो कार हॉर्न साउंड बाइसिकल बेल्स रिंग श्रे क्राउज लो एंड वेंडर्स शाउट आउट देर वेयर और डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई दे रहे हैं वहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं होती वहां आपको हर किसी का यू नो साउंड सुनाई देगा जैसे रेडियो में गाने सुन रहे होंगे कुछ लोग डिफरेंट लोग जो है अपना सामान बेच रहे होंगे तो वो बोला है वेंडर शाउट आउट दे देन बोला है कि जो काउ है उसका बोला है श्रे काउ लो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुंह साउंड होता है काउ का नॉर्मल वो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जब भी वो मोटरसाइकिल्स देखता है ऑल्सो जो भी डिफरेंट यू नो साइकिल्स में ट्रेवल हैं तो उनकी बेल की रिंग आपको सुनाई देगी कार अगर है तो वहां पे हॉर्न का साउंड सुनाई देगा तो ये इतने सारे साउंड है बिल्कुल भी क्या नहीं है शांति नहीं है इतनी ज्यादा बिजी स्ट्रीट है कहां की काठमांडू की क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है this? Now, this chapter, कि जब यहां विक्रम सेठ बोलते हैं ना कि फ्लूट का साउंड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहा चले गए टू कॉमनलिटी ऑफ मैनकाइंड एक कॉमन चीज है ह्यूमन बींग वाला जो मैन काइंड की बात है वो कॉमोनैलिटी हमें सुनाई देती है जब भी हम फ्लूट का साउंड सुनते हैं तो इससे उनका मतलब क्या है या उन्होंने ऐसा क्यों कहा है इसमें हम ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे नाउ लेट्स रीड दी आंसर ऑल्सो सो दैट फाइनली यू नो आपको ये मीनिंग समझ आ जाए कि क्यों बोला ऐसा कॉमोनैलि ऑफ ऑल मैन क्लियर

हर किसी के लिए म्यूजिक सेम होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमें फीलिंग आती है जब भी, भी हम म्यूजिक सुनते हैं एंड दैट इज समथिंग जो कि कॉमन है पूरी ह्यूमन बीइंग्स में हर एक इंसान के जहाँ पे भी आप चले जाओ कोई भी कंट्री में चले जाओ कोई भी रिलीजन में कल्चर में कहीं पे भी देख लो जो म्यूजिक है वो क्या है इट्स काइंड ऑफ अपीलिंग टू सेंसेज एंड दिस इज देयर इट इज़ अ फैक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग राइट तो वो इसीलिए बोलते हैं दैट इज वॉट कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिस्नर हर एक जो इंसान है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां फ्लूट की बात की गई है तो जब भी फ्लूट का ये मेलोडियस साउंड कोई भी सुनेगा तो हर एक लिस्नर जो है वो हैप्पी डिलाइटेड, यू नो अमेज फील करेगा कि वाह दिस इज सो मेलोडियस राइट

सबसे ज्यादा कॉमन साउंड जो है वो फ्लूट का है क्योंकि कोई भी कस्टम हो कोई भी कल्चर हो कोई भी ट्रेडिशन हो फ्लूट जो है वो पार्ट होता ही है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो ये क्या है ये एक कॉमन चीज है हर जगह क्लियर इट इज फाउंड इन एवरी कल्चर सो दिस इज समथिंग जिसे आप प्रूव कर सकते हो लाइन को कि फ्लूट जो है वो हर एक कल्चर में मिलते हैं एक ट्रेडिशन में पाए जाते हैं कॉमोनलिटी टर्म यूज कर रहे हैं

बिल्कुल फोकस के साथ तो आपको अच्छा लगता है कितना भी नो वहाँ पे विजी स्ट्रीट्स हैं बाकी के साउंड्स आ रहे हो आपका ध्यान सिर्फ वही जाएगा बिकॉज वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं सिमिलरली जैसे मैन काइंड की अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की बात करें वो भी कल्चर या फिर किसी इंसान पर बेस्ड नहीं होती डिफ़र नहीं करती कि ह्यूमैनिटी जो है वो ऐसी दिखती है ऐसा अपेयरेंस होता है इस ट्रेडिशन के लिए इस कल्चर के लोगों के लिए नहीं तो जो ह्यूमैनिटी है जो मैन काइंड है वो क्या है कॉमन है हर जगह अपियरेंस उसका सेम है दैट इज समथिंग जो फ्लूट केस में भी सही है इसीलिए विक्रम सेठ बोलते हैं कि फ्लूट का जो उन्होंने बोला है साउंड दैट इज समथिंग जो कि इनको याद दिलाता है अबाउट कॉमन ऑफ ऑल मैन काइंड क्लियर सो दीज आर वेरियस प्रूव या फिर वो लाइन हैं जो कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं क्यों बोला है विक्रम सेठ ने ये स्टेटमेंट क्लियर ऑल राइट कास्ट का ऑथर सेनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इन टू दलिटी ऑफ ऑल मैन काइंड वो यही बोलते हैं कि यू नो कोई भी साउंड सुन लो या फिर आप फ्लूट का म्यूजिक का स्पेसिफिकली बात करो दैट्स सुट्स काइंड ऑफ गिव यू दैट फीलिंग ऑफ कामनेस स्टिलनेस पीस जब भी आप ये म्यूजिक सुनते हो एंड दैट इज समथिंग जो कि वैरी नहीं करता है कास्ट क्रीट कलर रेस पे बेस ठीक है तो इट्स कॉमन फॉर एवरी वन दैट्स वाई ही हैज सेट दिस स्टेटमेंट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट दैट इज टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ मैन काइंड क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज तो थिंकिंग अबाउट द टेक्सट के इतने ही क्वेश्चन थे और मेजरली जो आपका चैप्टर है उसे बहुत ब्यूटीफुल कवर करता है एक्सेप्ट कि उनका जो एडवेंचरस रूट वो सोचता ना कि कैसे जाना चाहिए मुझे न्यू डेली उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया है अदर दिन दैट सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट एनसीआर क्वेश्चन ने कवर किया डन अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बताएं अबाउट थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इटालीसाइज फ्रेजेज यहाँ तो पर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज दिए हुए हैं और उनमें एक एक वर्ड सेम होगा बट फ्रेजेस जो है वो डिफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अनादर वर्ड विद इट अब हमें एक कॉलम दिया है जहां पर फ्रेजेज मैंशन है दूसरे कॉलम में आपको मीनिंग्स दिए हैं यू नीट टू मैच देम सो दैट आपको पता चले कि किसका मतलब क्या होता है क्लियर ऑल राइट

तो जब प्लेन क्रैश हुआ तो जो कॉकपिट पार्ट होता है कि जब हम देखते तो जो आगे का हो ना उसको कहते हैं कॉकपिट जहां पायलट वगैरह बैठते हैं तो वो कॉकपिट क्या हुआ वो ब्रोक ऑफ यानी कि इट जस्ट डिटैच फ्रॉम द प्लेन वो अलग हो गया तो यहां ब्रोक आउट और ब्रोक ऑफ में क्या सेम है ब्रोक वर्ड बट अलग अलग वर्ड जब एड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है डिफरेंट फ्रेजेस के डिफरेंट मीनिंग है एग्जैक्ट मीनिंग जो अभी हम नेक्स्ट कॉलम में डिस्कस भी करेंगे क्लियर

अवे ब्रोक इंटू यानी कि हमारे घर में घर को तोड़कर घर में घुस गया जब आप हिंदी में बोलते हो तो जो चोर है जो थीफ है हाउस वेन we आर नॉट देर तो देखो वर्ड ब्रोक है बट एक आउट ऑफ कहीं पे डाउन अप इंटू कर दिया तो क्या हो गया मीनिंग डिफर कर रहा है क्लियर अब इन्ही वर्ड्स के मीनिंग जो है हमको मैच करने हैं फ्रॉम कॉलम बी क्लियर ऑल राइट सो so, यहां देखो अब वही डिफरेंट वर्ड दिए हुए हैं यहां डिफरेंट मीनिंग्स हैं आप सेंटेंसेस को अगर समझ चुके हो तो मीनिंग भी समझ जाओगे क्लियर तो आपको वही करना है ब्रेक आउट ब्रेक ऑफ ब्रेक डाउन ब्रेक अवे ब्रेकअप एंड ब्रेक, ब्रेक इन टू इनके जो हुए हैं उनसे मैच करना है क्लियर तो चलिए डायरेक्टली आंसर डिस्कस करते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी सेंटेंसेस समझ चुके हैं क्लियर सो so, ब्रेक आउट का मतलब क्या है टू स्टार्ट सडनली यूजली अ फाइट अ वॉर और अ डिसीज क्या बोला था कम्युनल वॉर जो है इट ब्रोक आउट यानी कि लड़ाई स्टार्ट हो गई ठीक है तो

ब्रेकडाउन क्लियर नेक्स्ट है ब्रेक अवे टू एस्केप फ्रॉम ग्रिप जो भी डकॉइट था वो पुलिस के हाथ से भाग यू नो भाग जाता है बच जाता है तो वो क्या करता है अपने आप को किसी से अलग करके भाग रहा है राइट तो उसी को कहते हैं टू एस्केप फ्रॉम ग्रिप यानी किसी के हाथ से अपने आप को छुड़ा के बचना उसे कहते हैं ब्रेक अवे नेक्स्ट है ब्रेकअप इसका तो मीनिंग आपको बताने की जरूरत ही नहीं है एंड अ रिलेशनशिप यानी कि कोई भी रिलेशनशिप हो व्हेन इट एंड्स दैट इज ब्रेकअप एंड फाइनली ब्रेक इनटू यानी घर में एंटर हो गए थे तो इसका मतलब हो गया ब्रेक एंड एंटर इलीगली अनलॉफुल ट्रेस पासिंग आप किसी के भी घर में इनलीगली या कोई भी प्रॉपर्टी यहां पे अलाउड नहीं हुआ एंटर कर जाओ तो उसे कहते हैं ब्रेक इन क्लियर तो आई होप आपके छह जो वर्ड्स हैं वो आपके डिक्शनरी में ऐड हो गए यू कैन ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपकी जो है वो इंप्रूव होगी क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है यूज द दईओ एन एंड टी आई ओ एन टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स यहाँ पे वर्ब दिए हैं एक्शन वर्ड्स दिए हैं जैसे ही आप किसी में आई ओ एन किसी में टी आई ओ एन जोड़ते हो वो वर्ड्स किसमें चेंज हो जाएंगे वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे नाउन्स में यानी नेम ऑफ समथिंग

एग्जॉस्ट हो गए थक गए इमिग्रेट यानी कि कहीं गए यू नो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर हुए हैं इन्वेंट किया है तो ये सब वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। बट जैसे ही कहीं एन कहीं टी आई ओ एन जोड़ोगे तो वो नाम बन जाएगा किसी एक एक्शन का नाम बन जाएगा क्लियर तो वो क्या हो जाएगा नाउ फॉर एग्जाम्पल क्रिमेट करना इज एन एक्शन बट ये हुआ क्या ये क्रिमेशन था तो क्रिमेशन इज व्हाट द नेम तो क्या बन गया नाउन क्या किया आयो एन जोड़ दिया ई e को ड्रॉप करके क्लियर सिमिलरली एक्ट का बन जाएगा एक्शन वेरी इजी एग्जॉस्ट हो जाना उसको क्या बोला है एग्जॉशन इन्वेंशन टेम्टेशन इमिग्रेशन डायरेक्शन मेडिटेशन इमेजिनेशन डिसलोकेशन एसोसिएशन एंड डेडिकेशन तो ये सब क्या है नाउन है जो वर्ब से फॉर्म हुए हैं कहीं हमने आईओ एन जोड़ा है जैसे जहां ऑलरेडी टी था तो ई ड्रॉप करके आईओ एन लगा दिया जहां पर भी ई होगा एंड में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज आप आई जोड़ रहे क्लियर तो जहां टी नहीं है वहां टी आई एन लगा रहे हो जहां टी है वहां पर ई होगा उसको ड्रॉप कर रहे हो और आईओ एन जोड़ दे रहा हो तरीके से जो वर्ब थे वो किसमें चेंज हो गए चेंज हो गए नाउन्स में जब हम हमने सफिक्सेस इनमें ऐड किए क्लियर सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो जैसे एडवर्ब का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो अब समझ गए कि वर्ब से नाउन कैसे बनते हैं क्लियर ऑल नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द वंस दैट यू हैव फॉर्म अब बन चुके हैं नाउंस राइट right? अब इन्हीं को यूज करते हुए हमें क्या करना है ब्लैंक्स को फिल करना बहुत है बहुत so, ईजी है सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मास लिटरेसी वॉज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑफ द डैश ऑफ प्रिंटिंग मशीन यानी जब मास लिटरेसी जो है वो तब ही बढ़ी जब कुछ तो हुआ प्रिंटिंग मशीन का कह सकते हो इन्वेंशन हुआ है राइट right? नेक्स्ट है रमेश इज अनएल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स तो जो रमेश है वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें किसी चीज की यू you नो know, कमी है या फिर वो लैक्स जैसे हम करेज बोलते हैं वैसे यहां पे डिफरेंट वर्ड्स हैं वो हमको यहाँ करना है क्लियर नेक्स्ट है लेटर हार्ड वर्क एंड डैश आर द मेन कीज टू सक्सेस वर ऑलमोस्ट फेनटेन विद आफ्टर बीइंग मेड टू स्टैंड इन द सन तो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं अब हम वर्ड्स रखते हैं देखो फिर कंप्लीट सेंटेंसेस क्या बनते हैं सो मासिट्रसी वॉज पॉसिबल ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन यानी जब प्रिंटिंग मशीन को इन्वेंट किया उसी के बाद मास लिटरेसी जो है वो पॉसिबल हो पाई रमेश इज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स डायरेक्शन तो डायरेक्शन वर्ड जब हम यहाँ डालते हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है कि रमेश जो है वो सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको नहीं पता कि किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है I could not resist the dash to open the letter. Letter खोलने का temptation जो है जो मुझे sort of you know बार बार बोल रहा है I'm getting tempted. तो वो मैं नहीं रोक पाया and open the letter. Hard work and dash are the main keys to success. Obviously मेहनत but वो dedication के साथ अगर करते हो that means आप successful होगे. So hard work and dedication are the keys to success. चिल्ड्रेन और बेहोश हो रहे थे जब उनको असेंबली में सन के नीचे खड़ा कर दिया जा रहा था बिकॉज वो एग्जॉस्ट हो रहे थे टायर्ड हो गए थे विथ एग्जॉस्टन विथ दैट टायर्डनेस देवर पेंटिंग क्लियर ऑल राइट

Very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. और इस topic की notes की key link आपको description box में मिल जाएगी.